सो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अपनी कंट्री का चुनाव कैसे करें? सो जब भी मेरे पास ये फोन आता है ना, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपका साल ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि हम किस कॉलेज का चुनाव करें, है कि नहीं? मतलब सर, मैं बच्चे को सोच रहा हूँ यूक्रेन भेज दूँ, मैं सोच रहा हूँ बच्चे को मैं रशिया भेज दूँ। कहता हूँ कि सर, रशिया भेजना या किसी कॉलेज में भेजना, अगर आप जानते हो, मतलब ये किसने कह दिया कि एक कंट्री के सारे कॉलेज अच्छे हैं? और खासकर जो लोग इंडिया को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो क्या यूपी के सारे प्राइवेट कॉलेज बराबर है? क्या श्रीराम मूर्ति, शारदा और जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ बराबर है? क्या हरियाणा का आदेश और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर बराबर है? क्या राजस्थान का महात्मा गांधी जयपुर, गांधी गंगानगर और जो अभी भी बैन लग गया अमेरिकन उदयपुर बराबर है? हम तो कभी नहीं कहते इंडियन कॉन्टेस्ट में कि जी मैं राजस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हम ये जरूर कहते हैं कि हाँ जी, राजस्थान इसलिए चाहिए कि हम राजस्थानी हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे बगल में रहे। बट देन पीपल ऑलवेज आस्क मी ना, टेल मी कि सर इसमें से बेस्ट कॉलेज भेजिए। और संभव इंडिया में तो कौन कौन सा स्टेट का कौन सा बेस्ट कॉलेज, हम सबको मालूम है। हम सबको मालूम है कि डीम्ड में के एम सी मणिपाल, के एम सी बैंगलोर बेस्ट है, के एस हेगड़े बेस्ट है, जे एस एस मैसूर बेस्ट है, किरण बेला का भी बेस्ट है, रिम्स लोनी अच्छा है, या अमृता कोची अच्छे, हम जानते हैं ना। लेकिन जब ये अब्रॉड की बात आती है तो फिर हम कंट्री की बातें करते हैं। हमें कॉलेज की बात करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। ऑफ कोर्स स्पेशली जब हम बाहर जा रहे हैं तो मैं हमेशा, लोग मेरे बहुत डिटेल्ड वीडियो आप चैनल में ढूंढ सकते हैं, तो मैंने 6-7 फैक्टर लिखे थे कि आप एक सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें। उसके अंदर वेरियस फैक्टर्स थे। और देखिए, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ, ये 18 नवंबर 2021 का जो गैजेट आ चुका है एमबीपीएस अब्रॉड को लेके, उसको मद्देनजर नहीं रखना। उसके अलावा जो उसके अंदर उसकी वजह से चेंजेस हुए हैं हर कंट्री में, वो अलग बात है। कुछ कॉलेजेस में इंडिया में अलाउड थी 5 ईयर की ड्यूरेशन, कुछ में 6 की। अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 48 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए, फॉलोड बाय इंटर्नशिप, मीन्स 5.5 साल का कोर्स मिनिमम हो गया। चाहे वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे जो 5 साल का दावा करते थे, वो 5.5 साल कर रहे हैं। यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, जॉर्जिया जो 6 साल थे, उनको अब या तो 6 साल में इंटर्नशिप को डाल रहे हैं या उसके अलावा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल कंट्री की बात कर रहा हूँ। आई अगेन रिपीट, वी हैव टू फाइंड द कॉलेज। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कॉलेज। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कॉलेज कैसे पढ़ाता है। और फिर से मैं खुद ही कहता हूँ, स्पेशली इन द पास्ट जब नीट फेल बच्चे भी बाहर एमबीपीएस करने गए हैं, वन ऑफ द रीजंस कि दे आर नॉट एबल टू गेट और पास एफएमजीए टेस्ट इज बिकॉज कि उनका खुद का जो पढ़ाई के प्रति रुझान था वो बहुत कम था। वहां जाके जो उन्होंने पढ़ाई करी वो भी रो पिट के पेपर पास किए, और इसीलिए वापस आके इस पेपर को पास करने में स्ट्रगल करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हम मान के चलते हैं कि सेम क्वालिटी के बच्चे हर जगह गए, किस कॉलेज ने कैसा परफॉर्म करा, उसका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि जो वापस आके बच्चा पेपर लेता है, जिसे हम एफएमजी बोलते हैं, आपको पता है या लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रिपोर्ट छपती है सरकार के द्वारा। जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, तो ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, natbold.edu.in, ठीक है, natbold.edu.in। इसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो रिजल्ट में आता है एक एक बच्चे का एफएमजी का रिजल्ट। लेकिन आप तो उसको जानते नहीं हो, ये एफएमजी आ गया ना, एक एक बच्चे का रिजल्ट आता है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, और मैं वो लाइव दिखा रहा हूँ, तो स्टैट। अब ये सरकारी वेबसाइट है, ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है, राइट? अब इसमें आप स्टेटिस्टिक्स पे जाओगे, आपको इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। इंस्टीट्यूट वाइज परफॉर्मेंस पिछले 8-9 साल की है। एक हम 2021 लेते हैं, अभी चला गया। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कंट्री नहीं, कॉलेज बाय कॉलेज देखना है। और पहले एक और चीज बता दूं, अगर आप इस रिपोर्ट के लास्ट में चले जाएंगे तो आप देखेंगे सन 2021 जिसमें 2 बार पेपर हुआ जून और जुलाई में, टोटल मिला के 40,000 बच्चों ने पेपर दिया और 10,000 ने पास किया, तकरीबन 25% पास रेट। लोग मुझसे कहते हैं सर ये तो बहुत खराब है, बाहर बच्चे को भेजेंगे तो खाली 25% बच्चे डॉक्टर बनेंगे मेरे। मैं कहता हूँ नहीं, इस
कारण यही है कि जो मैंने बार बार कहा कि पुराने जमाने में जो काफी बच्चे इस 40,000 में ऐसे हैं जो 2011, 12, 13, 14 में पढ़ के वापस आ चुके और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका इनपुट बड़ा खराब था। वो बच्चे जो नीट में 2, 4, 5 नंबर लेके आते थे और उन्हीं बच्चों की वजह से ही तो ये नीट क्वालिफाई का रूल 2018 में आया है। लोग समझते हैं जो इस साल आए हैं एमबीबीएस के लिए कि नीट क्वालिफाई का रूल तो शायद सदियों से, जी नहीं, इसे 4 साल पहले लाया गया है इसी फिगर को देख के। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी वीडियो में एमबीबीएस इंडिया के भी प्राइवेट कॉलेज को आपको सोच समझ के चुनना चाहिए क्योंकि जब नेक्स्ट का पेपर आएगा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे कॉलेजों के बच्चों का पास परसेंटेज भी ऐसा ही मिलेगा, स्पेशली इन फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस, मे बी फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो। और इसलिए आपको एक राइट काउंसलर की जरूरत रहती है हमेशा, बताया कि किस कॉलेज में जाना है। पर अभी इस पे रिपोर्ट पे आते हैं, फिलहाल हम मानते हैं 25% एवरेज है। अब लोग कहते हैं यूक्रेन यूक्रेन, मैं कहता हूँ यूक्रेन नहीं करना ना, आपने ये देखना है कि किसी 25% में एक कॉलेज है जिसने फिर भी 40% पासिंग रेट दिखाया, जिस बोगोमेट्स डिप्रो स्टेट है जिसने 36% दिखाया, और वहीं पर एक कॉलेज ऐसा भी है आर्किव नेशनल, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, 35% दिखाया, और एक कॉलेज ऐसा भी है जी लुगान स्टेट जिसे 8% दिखाया, इसके बच्चों को इतना खराब रिकॉर्ड था। तो कम से कम हम ये तो देखें ना कि हमें यूक्रेन नहीं जाना है, हम ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन में हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे, राइट? यहाँ पर कम से कम 30% तो है, तो फिर एवरेज तो 24 थी, बट अगर आपके पास थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सेम बजट में आपके पास ये ऑप्शन है। अब लोग कहते हैं जी रशिया भेजो रशिया भेजो रशिया भेजो, लुक एट फ्यू कॉलेजेस का 10% मतलब नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट 9%, ऑफकोर्स कुमान स्टेट 7%, नॉर्थ वेस्टर्न में 9%, डेफिनेटली देर आर फ्यू डिसेंटली गुड वन ऑल्सो, राइट? तो कहने की बात नहीं है। दागिस्तान 12%, फिर भी देखिए मोस्टली सब 24 के ही फेयर में चल रहे हैं, ठीक है? तो हमें चुनना ही है तो हम फिर कजान स्टेट चुने ना, 45% है, हम क्यूबन स्टेट क्यों चुने? अगर जाना ही है तो, राइट? या हम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चुने ना, जहां पर 41% लोगों ने पास किया। एंड देन वी मूव अहेड एंड हियर कम्स द ब्लू आईड इन माय ओपिनियन फिलीपींस, जहां आमा के पढ़ पाए बच्चों ने 40% ने पास करा, ठीक है? कयाकिंग स्टेट के 55%, लुक एट, ऑफ कोर्स देखिए एक दो बच्चे मेडिकल, दवाओ मेडिकल वेरी नाइस 40%, और वॉल्यूम देखिए इतने बच्चे पढ़ के आ चुके हैं वहां से। यूवी गुलाब्स खराब, हिलियो अगेन 47%, राइट? मनीना सेंट्रल कम वॉल्यूम है। एंड देन वी हैव आई थिंक यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्थ वंस अगेन 37%, नॉर्दर्न फिलीपींस 44% एंड गुड वॉल्यूम, इतने बच्चे आप पढ़ भी रहे हैं। और दूसरे मिशन में वही भी कहता हूँ, आप वहां भेजिए जहाँ ऑलरेडी इंडियंस हैं। अब जिस कॉलेज में दो तीन बच्चे इंडिया से जा रहे हैं वहां पर क्यों भेज रहे हो? आपका बच्चा भी फील आउट ऑफ द प्लेस, राइट? अकेला पढ़ सकेगा। तो पासिंग परसेंटेज देखिए और वॉल्यूम देखिए, कितने बच्चे उस कॉलेज में पहले जा चुके हैं। देखो पाकिस्तान की बात करना बेकार है, ठीक है? नेपाल हम जानते हैं ना कि हमेशा कहते हैं कि नो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, वो यहीं से स्थापित होते हैं ना, 61% बच्चे पास, दिस इज नेपाल, बट बिकॉज ऑफ स्टिल बेटर दैन 24%। दिस जानकी एक्चुअली इवन माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि इट इज नॉट अ गुड कॉलेज, वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है, बट हम भेज देते हैं खासकर जी अपर बिहार यूपी के बच्चे, पेरेंट्स जानकी पास पड़ता है। देखिए ना फिर क्या हुआ, 12% पासिंग परसेंटेज है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज 31%, ऑफ कोर्स वॉल्यूम सर लो, मणिपाल होना ही था 44% पास आउट, राइट? वी शुड लुक फॉर दिस कॉलेजेस, व्हाई गो फॉर कॉलेजेस का 12% पास हुआ है। और सबसे सबसे बड़ा डिजास्टर तो यही किर्गिस्तान, बहुत ये दो कॉलेज का नाम चला था आईएसएम 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 बिश्केक में, लुक एट द पास परसेंटेज 9%, मतलब बिलो बिलो द एवरेज, राइट? पोश 12%, अगेन 18%। तो
ऑलवेज से लुक एट दीज नंबर्स, एवरेज 25 है, जो 35% अबव कॉलेजेस हैं उसको आप कंसिडर कीजिए। आपको डिजास्टर अर्मेनिया दिखाता हूँ, जो पेपर में बच्चों को समझाता हूँ सस्ते के चक्कर में, सर अर्मेनिया 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 ट्रांसफर मिल रहा है, आराम से पास हो जाओगे। अरे अर्मेनिया तो पास कर देगा आपको, और ये है ना फालतू कॉलेजेस, सेंट थेरेसा, येरेवन, हेबुसक, 5% 7%, और ये वहाँ का बहुत अच्छा कॉलेज है येरेवन स्टेट, ओनली डिसेंट कॉलेज इन अर्मेनिया, फिर भी 25% ही दिखा रहा है। और बाकी सबके तो हालत देखिए अब क्या है, तो अर्मेनिया क्यों जाना भाई, बांग्लादेश इज जनरली गुड वी ऑल नो। सिमिलरली बेलारूस में चार ही कॉलेज है, चारों का डिसेंट है। एंड देन सो यू लुक एट दिस रिजल्ट, देन कंबाइंड विद कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एवरीथिंग एल्स एंड डिसाइड अ कॉलेज। वी ऑलवेज टेल पीपल कंट्री मत फाइनल कीजिए, कॉलेज फाइनल कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आप हमारी सलाह लेना चाहें कि कौन सा ओवरऑल बेस्ट कॉलेज है जो आपको 6 साल तक आपके साथ खड़ा रहे, आपको सपोर्ट करे। देखिए कोविड आया, प्रॉब्लम हुई, बच्चों को वापस आना पड़ा, अभी यूक्रेन वॉर हुआ। आई कैन प्राउडली टेल यू जीके वर सपोर्टेड ऑल देयर स्टूडेंट्स एंड टू एंड। हमारे इतना पॉपुलर चैनल है, आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम डिलीट करते हैं, इसलिए एकाध होगा कि हमने अपने बच्चों को लास्ट तक सपोर्ट किया, किसी भी कंट्री के बच्चों को, और चाहे वो चाइना के बच्चे जो वापस नहीं जा पा रहे हैं, फिलीपींस के बच्चे को भी नहीं गए थे 1.5 साल तक, अभी भी उनका वीजा लगना स्टार्ट हुआ है, या यूक्रेन में जो बच्चे फंस गए थे, वी हैव ऑलवेज स्टूड विद देम टिल दे कम बैक एंड क्लियर FMGE एग्जाम, राइट। तो ये है, आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे थ्रू अपने अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहें, खुद बाहर जाना चाहें, do call us and we will surely help you in the MBBS 2022 season. Have a nice day. Namaskar.